हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज मी अनिल श्रीवास्तव। आई होप यू हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइजेस 6A, 6B, 6C। एंड नाउ टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6B वेयर वी विल लर्न हाउ टू सिंपलीफाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो टर्न ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? सिंपलीफाई 5x प्लस 3x माइनस 7। देखिए जो भी एक्सरसाइजेस के ये वीडियोस आपको मिल रहे हैं ठीक है, आप उनको डेली वॉच कीजिए और अपनी पेपर को कंप्लीट करते रहिए, और जो एग्जाम्स है उनकी प्रिपरेशन भी आप साथ में करते रहिए ठीक है। उसके लिए रिवीजन जूम क्लासेस में चल रहा है ठीक है। देखिए किस तरीके से सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। फर्स्ट ओपन दी ब्रैकेट। चलिए सबसे पहले एक बात कर लेते हैं ब्रैकेट के बारे में, जिसे आपने पढ़ा है बॉडमास। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडमास? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर of d for division, m for multiplication, e for addition, s for subtraction. This is of the meaning होता है multiplication. Multiplication का sign रहेगा और brackets जो होते हैं एक होता है small bracket, then curly bracket, then large bracket. Okay? और series की क्या होती है? First, second, third. यानी सबसे पहले आपको small bracket solve करना है, then curly bracket, then large bracket. तो यहाँ पे कौन सा bracket की starting है? Small bracket. Now open the bracket 3x minus 7 plus 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 minus 5. ये सब ध्यान रखना। Now these are like terms, we can add it. This will 8x minus 7. So the answer of the first question is 8x minus 7. ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, 11 plus in bracket minus 7 plus 4. इस तरीके से करना, मैंने क्या बताया? First you have to open the bracket. Now 11 plus minus minus plus plus plus. Okay? Add here minus 7 is the only one term. Minus 7 is a good term. So add everything. Plus 11 and plus 4 to plus 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 this will 15. So the answer is minus 7 plus 15. I hope this is clear. Now the third, fourth and fifth part you have to solve yourself. I'm going to tell the question, sixth number of sixth part. Dekhiye yahan se question number 6. 2y minus 3y plus 2 minus 6 plus 3y minus 8. किस तरीके से करना है? फर्स्ट ओपन दी ब्रैकेट्स 2y प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। देखिए मैं बार बार ही बोलता रहता हूँ प्लस माइनस माइनस, या तो याद हो जाना चाहिए ठीक है। माइनस सिक्स एंड प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, प्लस होगा प्लस माइनस माइनस। नाउ अरेंजिंग दी लाइक टर्म्स। अब क्या करना है आपको? लाइक टर्म्स अरेंज करें तो 2y माइनस 3y प्लस 3y माइनस 2 माइनस सिक्स माइनस एट। क्लियर? अब देखिए ये लाइक टर्म्स अरेंज करिए, ये वेरिएबल्स वन साइड और कांस्टेंट वन साइड के यानी कर लिया। अब देखिए 2y माइनस 3y इस तरीके से कर सकते हैं, अदरवाइज 2y माइनस y प्लस 3y सेम टर्म्स है तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल, तो दिस विल जीरो। एंड माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 इनको जब आप ऐड करेंगे दिस विल 16। माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट एंड माइनस एट एंड माइनस एट विल बी माइनस 16। सो आवर आंसर इज 2y माइनस 16। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रॉपरली वीडियो को वॉच करते रहिए ठीक है, सीरियसली आपको सीखेंगे आप। 3c माइनस 2c प्लस 5d माइनस डी। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लार्ज ब्रैकेट भी और स्मॉल ब्रैकेट। तो फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट 3c माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे 2c माइनस प्लस माइनस एंड माइनस डी। नाउ अरेंज दी लाइक टर्म्स। अब देखिए लाइक टर्म्स को लिखे हुए यहाँ पे सॉल्व कर 3c माइनस 2c this will c and minus d minus 5d minus d minus minus plus this will minus 6b. So answer is c minus 6. Answer is 6 c minus 6.
तो ये सिंप्लीफिकेशन है, आई होप ये क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव टू सॉल्व दिस। 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3y प्लस 5, ठीक किस तरीके से करेंगे इसको? ब्रैकेट यस यस नॉट सिंपली वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट। सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है। तो 3x माइनस x माइनस स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 4x माइनस 3y प्लस 5, ओके। 3x माइनस x माइनस 4x दीज आर लाइक टर्म्स, ग्रेटर नंबर कौन सा होगा? साइन है का माइनस का, 4 माइनस 1 यहां पे कुछ नहीं, तो क्या होगा 1। सो दिस विल माइनस 3x माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर इज 5, सो दिस विल प्लस 2y। नाउ अगेन ओपन द ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दिस विल माइनस 2 एंड 3x एंड 3x दीज आर लाइक टर्म्स, सो वी कैन ऐड इट 6x माइनस 2y। सो द आंसर इज 6x माइनस 2y, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, ठीक है? वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइए, पूरा वीडियो देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप सोचिए कि बस वीडियो देख लिया, ठीक है, स्टार्टिंग का साउंड नहीं है, तो आप वीडियो लिंक कर दो, वीडियो को लिंक नहीं करना है, कंटिन्यूसली आप देखते रहिए, समझ जाएंगे। लेकिन किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? यहाँ पे माइनस साइन लगा और ये कर्ली ब्रैकेट है और ये स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट भी होते हैं। तो माइनस 2b माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस 3b माइनस 8c, ओके, माइनस माइनस 2b माइनस 3b दिस विल माइनस 5b माइनस 8c। नाउ ओके द ब्रैकेट विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, सो रिक्वायर्ड आंसर इज 5b प्लस 8c, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आप उसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और नोटबुक लेके बैठिए, ठीक है, जिससे कि आप कुछ क्वेश्चंस हैं उसे भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्या हुआ? एवलुएट द एक्सप्रेशंस, एवलुएट द एक्सप्रेशन गिवन लुक फॉर ए इज इक्वल टू माइनस 4, a is equal to minus 4, this is given, a is equal to minus 4, you have to find the value of a plus a, क्या करना है? Evaluate करना, simply कैसे करेंगे? देखिए, put in, a is equal to minus 4, so value को क्या करेंगे? तो a is equal to क्या रखना है? Minus 4, plus 8, as it रहेगा, minus plus, minus 8, number is it, so this will be 4, इसका आंसर क्या होगा? Final answer, ओके, फोर्थ पार्ट देखिए इसका किस तरीके से, फोर्थ और थर्ड आर सेम, ठीक है, नियर आउट सेम है, तो आप कर लीजिए, कर लीजिए इसको फोर्थ पार्ट में लगा, देखिए इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वेयर ए इज इक्वल टू माइनस टू इज गिवन, तो वी कैन राइट इट पुट इन ए इज इक्वल टू माइनस 4 in 3 cube plus 2a square minus 8 plus 5. Now put the values minus 4 to the power 3 plus 2 minus 4 to the power 2 minus minus 4 plus 9. मैंने आपको बताया था जब कभी भी negative side का कोई भी number होगा तो आप उसको bracket में करेंगे, ओके। अब देखिए minus 4 to the power 3 कैसे करेंगे इसको? minus 4 minus 4 minus 4, और मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर ऑड तो उसका आंसर तो नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन ऐसे में लगा देंगे, ठीक है। अब 4 4 जा 16 16 4 जा 64, ओके, प्लस 2 इनटू माइनस 4 टू दी पावर 2, पावर कैसी है इवन, तो इसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो 4 और 2 टाइम्स इतना है, तो 4 4 जा कितना होगा 16 माइनस माइनस प्लस प्लस 5। नाउ सॉल्व इट, क्या हो जाएगा? माइनस 64 16 टू 32 एंड 4 प्लस 9 4 प्लस 9। नाउ यू कैन राइट इट
4 into 32 is 20 minus 32 plus 9 and answer क्या आएगा फाइनली 12 minus 9 3 और ये आंसर कह रही है तो हो जाएगा 20 इसका आंसर है -20 क्लियर इसका 32 आई होप ये क्लियर होगा सभी को क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं वीडियो को पॉज करके आप उसके जो पार्ट्स हैं वे पार्ट उनको से भी सॉल्व करिए ठीक है और अगर कहीं पे कोई कैलकुलेशन या कुछ भी गलत हो जाता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए सर देयर इज अ दिस मिस्टेक आई विल करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 14 गिवन m is equal to minus 2 and n is equal to 6 what you have to find m plus n सिंपली क्या करना है यू हैव टू पुट इन द वैल्यू ऑफ m यहां पे सिंपली से लिखेंगे पुटिंग m is equal to minus 2 and n is equal to 6 तो देखिए m की जगह पे minus 2 और n की जगह क्या रख दिया 6 और देखिए plus minus minus greater than by 6 तो this will be 4 आंसर क्या हो गया plus 4 next if you fourth part is ये main part आप इसे solve करिए ओके 3 m cube plus 2 m square प्लस एन अब लैंग्वेज आप उससे लिखेंगे यहाँ पे ठीक है और मैं इसको सॉल्व करता हूँ ठीक है कैसे होगा 3 into वैल्यू ऑफ एन इज माइनस टू की पावर 3 प्लस 2 वैल्यू ऑफ एन माइनस 2 की पावर 2 इनटू वैल्यू ऑफ एन इज 6 एंड वैल्यू ऑफ एन इज 6 तो दिस विल बी 1/6 वी कैन राइट 3 इनटू माइनस 8 क्योंकि माइनस है तो नंबर नेगेटिव होगा पावर 8 हो जाए इसलिए नेगेटिव है और अब ठीक है सब एक्सपेंड करेंगे तो दिस विल 8 पूजा 4 पूजा 8 नेक्स्ट देखिए प्लस 2 3 ये क्या आएगा 4 इनटू 6 और 6 का क्यूब होता है 216 कैसे फाइंड करेंगे 6 इनटू 6 इनटू 6 का क्यूब ओपन करेंगे तो 6 इनटू 6 का 36 36 इज द 216 ओके 8 इज द 24 2 4 is 8, 8 6 is 48 6 4 is 24, 24 2 is 48 जिस तरीके से भी आप चाहें multiply करा सकते हैं अब देखिए 24 48 this will subtract and gives 24 plus 216 after solving it 6 4 10 carry 1 this will 4 and 200 so the required answer is 240 of the fourth part of the question number 40 I hope this is clear to everyone Now moving on the next question. देखिए वीडियो को बीच में लीव मत कीजिए प्लीज ठीक है मैं देख रहा हूँ कि आप बुक कैरेक्टरी देखते हैं क्योंकि चैप्टर से हम चैप्टर से कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर 5 के लिए भी आप एक वीडियो क्लियर करेंगे इसको प्लीज कैरेक्टरी वॉच कीजिए वीडियो ओके क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यू If x is equal to, begin. If x is equal to 2, a is equal to minus 1, and b is equal to minus 3. First part is there. 4a square minus b square plus 6a square minus 7b square. Okay. So what question is saying? Simplify the expression and find the value. First we have to solve. सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व कैसे करेंगे फर्स्ट अरेंज दी लाइक टर्म्स 4a स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर देखिए 4a और 6a दी आर लाइक टर्म्स माइनस b स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर 4 6 10 a स्क्वायर माइनस 7 प्लस ग्रेटर नंबर इज नेवर वी विल टेक द साइड ऑफ ग्रेटर नंबर सो दिस विल माइनस 10b स्क्वायर क्लियर ये सिंपलीफाई हो गया अब क्या करना है आपको यू हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ व्हाटएवर गिवन putting x is equal to 2, a is equal to minus 1 and b is equal to minus 10 into what is the value of a? Minus 1. So we will write it 4 square of minus 1 minus 8 into what is the value of b? B की value is minus 3. So
उसको सॉल्व करते हैं, टेन इंटू स्क्वायर ऑफ माइनस वन, दिस विल बी वन, क्योंकि यहाँ पे पावर कैसी है गिवन, तो आंसर क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो इस तरह होगा इसको देखिए माइनस एट इंटू माइनस थ्री का होल स्क्वायर क्या होगा, दिस विल बी नाइन, सो वी कैन राइट इट टेन वन जा टेन माइनस एट टाइम सेवेंटी टू एंड दिस विल बी माइनस सिक्सटी टू, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज माइनस सिक्सटी टू. ओके सेकेंड पार्ट देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे. सेकेंड पार्ट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एट ए बी फोर एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन ए बी एंड व्हाट इज द वैल्यू हियर, x is equal to minus 2, a is equal to minus 1 and b is equal to minus 3. So first you have to solve a. So सबसे पहले solve करना, simplify करना है तो कैसे करेंगे? First arrange the like terms. So 3x square plus 4x square, these are like terms. Minus 8ab and plus 11ab. Now 3 and 4, this will 7x square. Minus plus minus greater number is 11, so we will take the sign of greater number. And this will 3a. Okay, you simplify it. Now you have to put the values of x, a and b. Putting x is equal to minus 2. Okay, here we have x, b, a or b. So b value put the value of a is equal to minus 1 and b is equal to minus 3. 7 into value of x is minus 2 and the value of a is minus 1 and value of b is minus 3. Now we can write it 7 into 4. Okay, square of 2 kya hoga 4 minus sign yahan pe power kaisi given, so we will take the sign of positive and minus 7 plus and 3 will be the 9, given the 3 and 3 will be the 9, so this will be 7 for the 28 plus 9 and this will be 37. So we have completed exercise 6b. MCQ's questions, question number 16. You have to solve yourself question number 17. किस तरीके से करेंगे? Find the value of. तो पहले आपको क्या करना है? एज एन एक्सप्रेशन लिखना है, उसमें वैल्यूज पुट करनी है x और y. ओके, क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 बता दो. क्वेश्चन नंबर 18. दिस इज द हार्ड क्वेश्चंस. और क्वेश्चन आपको फेयर पे सॉल्व करने, ठीक है? देयर इज नो एनालिसिस. 4a माइनस 3 इज इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस. सो फर्स्ट देखिए हमें क्या फाइंड करना है, 10 a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6. तो सबसे पहले हमें यहां पे क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ a. तो वैल्यू ऑफ a कहां से मिल रही है? ये गिवन है कि 4a इज इक्वल टू 13 माइनस तो 6 से कॉमन हो जाएगा प्लस. Now we can write it 4a is equal to 16 and this gives us 4 in multiplication, so this goes in division. So 4 4 is 16 and value of a is equal to everyone. Now we can see value find it. So this is 10 square of 4 minus 5 into 4 plus 6. 10 into square of 4 is 16, 5 4 is 20 plus 6. So this will be 116 and this will be minus 14 plus minus minus. Now subtracting 10 minus 4 is 2 and 10 plus 3 is 5 minus 1 is 4. So answer is 146. Okay. We have completed exercise 6B. I hope this is clear to everyone. Thank you for watching and don't forget to drop your comment in comment box. Okay.